मुनव्वर के रिश्ते पर सलमान ने उठाए हैं सवाल, जहां मुनव्वर के रिश्ते का किया है पर्दाफाश। हेलो दोस्तों, मैं हूं कोमल और आप अपना चैनल देख रहे हैं फीफा फूज। वेल, जैसा कि हम बिग बॉस के घर में देख रहे हैं कि वीकेंड की बार की शूटिंग शुरू हो चुकी है, तो अपडेट आने भी शुरू हो चुकी है। जो भी अपडेट आ रही है हम आप तक जरूर पहुंचा रहे हैं ऑन टाइम, और इसीलिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल अब यहाँ पर वीकेंड के बाद के सेट से जो अपडेट आ रही है, अपडेट ये आ रही है कि मुनव्वर के रिश्ते पर सलमान ने सवाल उठाए हैं, जहां सलमान ये कह रहे हैं कि मुनव्वर से कि घर में भी आपके रिश्ते उलझे हुए हैं और बाहर भी आपके रिश्ते उलझे हुए हैं, आखिर ऐसा क्यों, क्या माजरा है आपके रिश्ते का। तो इस तरीके से सवाल करते हुए नजर आएंगे सलमान, जो कि हमें एपिसोड में देखने को मिलेगा, और जहां मुनव्वर की बैशिंग करेंगे जमकर। यहां पर सलमान खान कई सारी बातें कहेंगे, ये भी कहते हुए नजर आएंगे कि अचानक से आपके रिश्ते में काफी बदलाव आ गया, आप उसी आयशा पर जो आयशा ने आपको एलिगेशंस लगाए आप उसके साथ नॉर्मल हो गए, आप रिश्ता निभा रहे हो, अब आप दिल से कह रहे हो खेल रहा हूं। तो इस तरीके की बातें करते हुए नजर आने वाले हैं सलमान खान। फिलहाल तो यही अपडेट आ रही है कि यहाँ पर जमकर लताड़ लगी है भाई मुनव्वर फारूकी को, जहां यहाँ पर जिस तरीके से आयशा और मुनव्वर एक साथ एक दूसरे के साथ इतने नॉर्मल हो गए हैं कि ऐसा लग रहा है कि भाई हस्बैंड वाइफ देखने को मिल रहे हैं बिग बॉस के घर में, ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। तो इसी जो सवाल उठाते हुए सलमान नजर आएंगे कि मुनव्वर आपका बाहर से ये गेम प्लान था, आप दोनों का गेम प्लान था, इसलिए आप यहाँ पर आयशा आई और आप दोनों का एक लव एंगल देखने को मिले, ये प्लान्ड था या अनप्लान्ड था, या अगर अनप्लान्ड था तो इतनी जल्दी चीजें नॉर्मल कैसे हो गई, ये आयशा तो आपसे बात तक नहीं करना चाहती थी, आपको आपकी शक्ल नहीं देखना चाहती है, फिर आपके प्लेट में खाना खा रही है आपकी। इस तरीके की बातें सलमान करते हुए एपिसोड में नजर आने वाले हैं। तो यहाँ पर भाई मुनव्वर की लंका लग चुकी है, अच्छे से बैशिंग हो चुकी है, तो आप तो बाकी एपिसोड में देखने को मिलेगा कि किस तरीके से इस बार भी मुनव्वर को सुनाया गया है। फिलहाल बिग बॉस से रिलेटेड अपडेट्स को जानने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।